दर्शकों नमस्कार। खबर बिहारी मध्य प्रदेश से, जहां संपन्न हुआ भगवती मानव कल्याण संगठन का अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन। उक्त अवसर पर संगठन के संस्थापक योगी राष्ट्रीय शक्तिपुत्र जी महाराज ने उपस्थित शिष्यों, भक्तों, श्रद्धालुओं को बड़े मनोयोग से संबोधित किया। विभिन्न प्रकार के निर्देशन देते हुए उन्हें और नई ऊर्जा देने का कार्य किया। आइए जानें उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको स्वयं लगेगा कि हाँ, इस पथ पर चल करके हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। यदि हम इस पथ पर न होते तो हमारे जीवन में शायद बहुत भटका हुआ चुका होता। बहुत से ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आज समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन को बदला है, अनेकों लोगों के जीवनों को बदला है। अंतर शायद वो काफी पतन के मार्ग पर होते, भटकाव के मार्ग में होते, नशा कर रहे होते, आपराधिक लाइन पर होते। ये धीरे धीरे करके हमारा जीवन स्वयं परिवर्तित होता जाता है। आत्माएं सभी पवित्र होती, निश्चल होती, आत्माओं में कोई दोष नहीं होता। आत्मा तो पवित्र है ही। ये माता आदि शक्ति जगजनी जब बंबा का अंश है। मेरे द्वारा जो आपको बताया गया है कि आत्म तत्व, जिसे हम तत्व कहकर सबको संबोधन करते हैं, वह तत्व के तात्पर्य है मूल प्रकृति का तत्व। आत्मा गुरु सत्ता और परम सत्ता के तीनों को एक रूप मान करके हम जब एकाग्रता से अपनी नित्य की साधना करते हैं तो हमारा मन और एकाग्र होता है। अन्यथा जीवन में यदि हम केवल गुरु के बारे में, माँ के बारे में ही अधिक से चिंतन करते रहे, स्मरण करते रहे, तो अपने आप का कई बार हम भान भुलाना शुरू कर देते हैं। हमको स्वयं पर ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है कि स्वयं की आत्मा का मुझे स्वयं कल्याण करना है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके, हमारे धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके, सत्कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अब आत्म कल्याण का जहां संबोधन किया जाता है, इसका तात्पर्य नहीं कि हम अपने द्वारा किसी आत्मा का कल्याण करेंगे, उस आत्मा का कल्याण नहीं। आत्मा तो स्वयं दूसरों का कल्याण करने वाली है, मगर उस पर पड़े हुए आवरण जिनको हमने स्वयं डाला है, उन्हें तो हम ही हटाना पड़ेगा। इतनी सजगता तो सभी के अंदर होनी चाहिए। हमारे ऋषियों मुनियों ने, धर्म ग्रंथों ने चीख चीख करके कहा है कि आपकी आत्मा में अलौकिक क्षमताएं हैं। जितनी उन क्षमताओं का हम उपयोग कर सकेंगे उतनी हमारी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, हमारे सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। उस आप सत्ता के प्रति अपने अंदर वह भावना भी रखा करो कि मैं केवल बाहर ही ना देखता रहूं, मेरे अंदर भी आत्मा बैठी हुई है। बाहर की जिन शक्तियों से मैं लाभ भी लेना चाहता हूं वो उतना ही लाभ मिलेगा जितने मैं अपने आत्मा के आवरण को हटाता जाऊंगा, उतना उन चेतना प्रणों का लाभ मुझे ज्यादा प्राप्त होता चला जाएगा। तो हर पल अपने अंदर एक इच्छा शक्ति कि मुझे अपनी आत्म चेतना को कहीं ना कहीं किसी जगह से तो रोकना है कि पतन के मार्ग में न जाने पाए। साधकों को सबसे पहले सजग होने की आवश्यकता है। जब किसी ऐसे प्रलोभनों में न भटके, किसी भटकावों में न जाए, एक जीवन हमें मिला हुआ है जिस जीवन में गुरु के मार्गदर्शन में चल करके हम सचेत और सजग होकर के उस आत्मा के पतन को रोक दे। आत्मा पे पड़ रहे नाना प्रकार के विषय विकारों के जो आवरण है, उन आवरणों को और न पड़ने दे। और जब हम और नहीं पड़ने देते तो धीरे धीरे करके उन आवरणों के हटाने की इच्छा सबसे हमारे अंदर पैदा होती चली जाएगी। हम जब आवरण न पड़े केवल इतना सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो हम इसका तात्पर्य गलत कार्य करना बंद कर देंगे। और जब गलत कार्य करना बंद कर देंगे तो हमारा तपस्यात्मक ऊर्जा हमारे अंदर चैतन्य होती जाएगी, जागृत होती जाएगी। हमारी भक्ति, हमारी तप की शक्ति, हमारी निष्ठा, निश्वास, समर्पण सहज भाव से बढ़ता चला जाएगा और उसकी ऊर्जा से सहज भाव से वो आवरण हटते चले जाते हैं। ये हर एक व्यक्ति को विवेक होना चाहिए कि अगर आपको पता चल जाए कि किसी कमरे में बहुमूल्य धरोहर रखी हुई है, उस पर किसी ने दरवाजे लगा दिए हैं, हमने अपनी गलती से या किसी की गलती से, तो हमें करना क्या है, केवल दरवाजा खोलना है। इतना विवेक हमें अपनाना ही पड़ेगा, न कि हम एक दरवाजा लगाए, दूसरा दरवाजा और लगाते जाए, तीसरा दरवाजा और लगाते जाए। तो एक न एक दिन खोलना हम ही को पड़ेगा, वो चाहे हम पतन के बिल्कुल जीरो के मार्ग में चले जाए। कई लोगों को आप देखते हो जब सर्वस्व नाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, जीवन स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं,
घर परिवार संपदा कुछ कई मिठाइयों का जुर्म देना पड़ता है या जरूरतन पड़े रहते हैं तो फिर उसे वहां से भगवान का स्मरण महसूस कर देते हैं, फिर से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छा कार्य महसूस कर देते हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते मतलब एक लंबी यात्रा हो जाती है। तो हमें सजग होना चाहिए, यदि हमारे अंदर कोई भी बामत है, थोड़ी सजगता है, थोड़ा विवेक है, थोड़ा हम अपने घर में सुख शांत से खा पी लेते हैं जिसका तात्पर्य हमारा पतन नहीं हुआ जरूरत से ज्यादा, मगर निश्चित काल परिस्थितियों के आधार पर कहीं ना कहीं पीछे जरूर पहुंचे और जहां पीछे पहुंचे वहां से धीरे धीरे अपने आप को उठाने का प्रयास करें। प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे करके ऊपर उठते चले जाओगे। किसी ने कुछ हमको कह दिया तो 10 बार उसको रिपीट कर करके हम अपने अंदर आवेदन इतनी व्यथा ले लेते हैं कि हम तनाव ग्रसित हो जाते हैं। अतः सामाजिकता के व्यवहार में भी परिवर्तन संगठन के कार्यकर्ताओं में नजर आना चाहिए। हम कहां रहे, किस प्रदेश में, किस वातावरण में रह रहे हैं, इनसे मतलब नहीं होना चाहिए। हम भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हमने अपने गले में रक्षा को डाल रखा है, रक्षा रुमाल दे रखी है। हमारा कर्तव्य है कि हर पल संतुलन का जीवन जीना, सत्य पथ का जीवन जीना, एक दूसरे पर समभाव का व्यवहार बना करके रखना, धन के माध्यम से ऊपर नीचे कोई गरीब है कोई अमीर है भेदभाव ना हो, जात के आधार पर भेदभाव ना हो, सबको एक साथ लेकर हमें चाहे कितना संघर्ष में करना पड़े, हमारे लिए संघर्ष प्रिय है, अच्छी बात है। ज्यादा संघर्ष आएगा हमें ज्यादा कार्य करने का मौका मिलेगा। हम प्रभुता से कार्य ही को चाहते, कार्य का फल ही तो माता आशीर्वाद है हमारे जीवन में। यदि हम कुछ कार्य करेंगे तो हमको भी प्रभुता माध्यम को बनाएगी। इसलिए आपका गुरु हर मंत्र से संघर्ष मांगता है। जो किसी के जीवन में संघर्ष न डाले गए हो आपके गुरु के जीवन में डाले, जिसे गुरु उन संघर्षों से तभी वो पार जा पाएगा। हमारे अंदर परम सत्ता पर निष्ठा विश्वास को मत पड़ा है तो हमारे पथ को कोई नहीं रोक सकता। निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ, एक रूपता के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ो, हर पल अपने जीवन में सुधार करते हुए, मगर जितना हम दूसरों के पास जाए वही अपने घर पर सजग होकर। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं कि संगठन में बहुत कार्यकर्ता समर्पित है, सक्रियता से कार्य करते हैं, मगर घर के बच्चे नास्तिकता के पथ पर पड़ गए हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, कई बार नहीं सुधारना कठिन हो जाता तो व्यथा निमग्न है, मगर प्रयास जारी रखते हैं। थोड़ा भी परिवर्तन कहीं ना कहीं आएगा तो कहीं ना कहीं सुधार होगा, मगर जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं वो वहां पर बहुत सुधार कर सकते हैं। उनको जैसा ढाल देंगे वैसा ढल जाएंगे। कल मैंने कहा था कि जिस तरह अगर आपके सामने कोई आप मांस का सेवन नहीं करते, मांस चार जितना अच्छा अच्छा बना करके रख दिया जाएगा उसके प्रति आपकी नफरत ही होगी, उसको कहीं आप टेस्ट के रूप में भी नहीं दे सकते, चीखना भी पसंद नहीं करेंगे, आप उल्टी आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि बचपन से वो विचार आपको घर परिवार के वातावरण में मिले कि मांस खाना अपराध, मांस खाना अच्छा नहीं, उसमें किसी न किसी जीव की हत्या होती है, इससे हमारे अंदर गलत विचार पैदा होंगे, हमारी मानसिकता अपराधी मानसिकता की बन जाएगी, हमें अंदर नफरत का भाव है, हम उससे दूर रहते हैं। उसी तरह बच्चों के अंदर वो संस्कार भरना प्रारंभ करो। हमें समाज को सुधारना है, हमारे सत्य की रक्षा करना है। अगर मुझे समाज रूप से संगठन चलाता होगा तो मैं किसी को प्रतिबंधित न करता, जैसा चल रहा है आते रहो, माना आशीर्वाद लेते रहो, अनेकों प्रकार के रास्ते से चलता रहता, मगर हमें एक जिम्मेदारी मिली है, एक कार्य है हमारे सामने, एक लक्ष्य है हमारे सामने कि हिंदुत्व का बहुत पतन हो चुका, अब इससे ज्यादा पतन हानिकारक है, कहीं ना कहीं उसे ठहराव देना है, कहीं ना कहीं रोकना है। अगर हिंदुत्व की रक्षा करना है तो स्वयं अपनी रक्षा पहले करना पड़ेगा, विकारों से, अवगुणों से, भटकावों से, इंद्रियों का संयमन करना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, निष्ठा विश्वास से मां की आराधना करना पड़ेगा। उक्त अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने भी उपस्थित गुरु भाइयों गुरु बहनों को संबोधित किया। आइए जाने उन्होंने ओजस्वी स्वर में क्या कुछ कहा। उसे प्राप्त करने की और हमारे वेदों ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही लाभ प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि गुरु के चरणों में श्रद्धा हो गई, यदि गुरु के चरणों में प्रीति हो गई तो वास्तव में यकीन माने इस धरती पर कभी भी भटक नहीं सकते, तुम्हारा कल्याण तो हो
हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, उस भक्ति को धारण करके तो देखो जो भक्ति प्रहलाद ने की थी। उस भक्ति को धारण करके तो देखो, आप आज समाज के बीच में जाते हो और कहते हो, आश्रम में आते हैं, बहुत साधना में मन लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि अब से सब कुछ त्याग देंगे, गलत कार्य संकल्प लेने का मन करता है, मगर समाज के बीच में जाते हैं, हमारे सामने परिस्थिति ऐसी रहती है, हम क्या करें, हम उलझ जाते हैं। अरे सीखना है तो प्रहलाद से सीखो, राक्षस कुल में जन्म लेकर के जहां अनित्य अधर्म का साम्राज्य रहा है, जहां पर धर्म अध्यात्म नाम का कोई मार्ग ना रहा है, ऐसे वातावरण में रह करके भी भगवान की भक्ति प्राप्त की, भगवान के दर्शन प्राप्त किए और मुक्ति का पथ प्राप्त किया। एक बार उस मार्ग को अपना करके तो देखो कि चाहे कैसी भी बाधाएं आ जाए, चाहे कैसी भी समस्याएं आ जाए, चाहे कैसा भी लोभ और लालच सामने पड़ा हो, हमें अपने गुरु के मार्ग से नहीं भटकना, पर नहीं भटकना यह संकल्प होना चाहिए। आप समाज के बीच में जाते हो, एक छोटा सा भी सौदा करोगे, 25 बार परखोगे मैं घाटे में ना जाऊं, किसी भी तरह से यदि घाटा समझ में आ रहा होगा कदम पीछे खींच लोगे, नहीं भैया मुझसे ना हो पाएगा, हम ये घाटे के सौदे में नहीं जाने वाले। मगर परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने वह घाटे का सौदा कर लिया है कि जिनके हाथों में समस्त शक्तियां हो, जिनके हाथों में प्रलय हो, निर्माण हो, उन्होंने हम जैसे अज्ञानियों को अज्ञानों के हाथों में शक्तियां प्रदान करके हमारे हाथों से समाज में परिवर्तन का कार्य, रचनात्मक कार्य करवा रहे हैं। तो केवल सभी जीवों से काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठ चुके हो, जिन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने इतना घाटे का सौदा कर लिया, हम जैसे काम क्रोध लोभ मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति को अपने चरणों से लगा दिया और अपनी साधनाएं अब सभी को समर्पित कर दी। जिन्होंने स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जो स्वयं उस आनंद में लीन रहते हैं, जिनको मां के चरणों की छत्र छाया प्राप्त है, जिनको वह शिखर प्राप्त है कि किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, उस शिखर को छोड़ करके आज इस छोटे से आसन में बैठ करके समाज का दिशा निर्देश दे रहे हैं, इससे बड़े घाटे का सौदा और क्या हो सकता है। मगर यह किसके लिए, यह तरहती हुई मानवता के लिए, यह तड़पती हुई मानवता के लिए, यह हमारे और आप सभी के लिए। गुरु के ऋण को कभी कोई नहीं चुका सकता, गुरु के ऋण चुकाने के लिए यदि प्राण भी देने पड़ जाए तो वह भी बहुत सूक्ष्म है, और यहां से प्राण मांगे ही नहीं जा रहे हैं, यहां से प्राण दिए जा रहे हैं और उस प्राण को समाज में फैलाने का कार्य दिया जा रहा है। गुरुवर ने कहा है कि तीन धाराएं मेरे हृदय में वास करती हैं, जिन्होंने अपना रोम रोम अपनी साधना तप त्याग तपस्या सब कुछ इन धाराओं को समर्पित कर दिया हो, उन धाराएं की सेवा करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हुआ है। तो यह मान लीजिए कि गुरुवर ने भले ही घाटे का सौदा कर लिया है, मगर हमारे हाथों में एक ऐसा सौदा आया है जिसे यदि हमने लपक लिया तो यह मान ले कि समाज में जो परिवर्तन का लक्ष्य ठाना है वह कभी अधूरा नहीं रहेगा, वह पूर्ण अवश्य होगा। हर काल परिस्थिति में परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ा है, साधारण परिवर्तन कभी प्राप्त नहीं हुआ, और परिवर्तन हुआ कब तब है जब धर्म और राजनीति का समावेश हुआ है, जब धर्म और राजनीति ने एक साथ कार्य किया है तब तब समाज में परिवर्तन हुआ है। किसी भी काल को उठा करके देख लो, भगवान राम के काल को उठा करके देखो, राजगद्दी धारण करने से पूर्व विश्वामित्र जी के आश्रम जाकर के वेद शास्त्र धर्म की शिक्षा प्राप्त की, गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया। कल्पना कीजिए, भगवान राम जिन्हें आज मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम जानते हैं, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं,
अगर ऋषि मुनियों का वेदों और ज्ञान का ज्ञान ना प्राप्त किया होता तो क्या जंगल में 14 वर्ष का वनवास कभी काट पाए होते? कभी नहीं काट पाए होते। वह ज्ञान ऋषियों ने दिया और उस ज्ञान की वजह से धैर्य धर्म के साथ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते उन्होंने अधर्म पर विजय प्राप्त की। महाभारत का काल उठा करके देख लीजिए, श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया और अपना ज्ञान पांडवों को दिया और पांडवों के माध्यम से अयोध्या न्याय अधर्म का नाश किया। राजा थे पांडे और कृष्ण भगवान धर्म के प्रतीक थे। जब धर्म और राजनीति का मेल हुआ तभी धर्म युद्ध जीता गया, तभी सत्य की जीत हुई। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा उठा करके देख लीजिए, उनके इतिहास को उठा करके देख लीजिए। यदि चाणक्य ने धर्म और नीति की शिक्षा चंद्रगुप्त को नहीं दी होती तो क्या वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन पाते? क्या वह अमित या अधर्म का सामना कर पाते? वह कदापि नहीं कर पाते। और यह एक कलयुग का उदाहरण देख लीजिए। यदि आज परम पूज्य गिरिराज श्री सत्यपुत जी महाराज ने हमें और आपको धर्म का ज्ञान ना दिया होता तो क्या हम वास्तव में राजनीति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए यह कदम उठा पाते? हम कदापि यह कदम ना उठा पाते। यह ज्ञान गुरुवर ने हमें दिया है, हमें गुरुवर ने पहले साधक बनाया है और उसके बाद राजनीति की ओर बढ़ाया है। किससे आशा करते हो, किससे कल्पना करते हो? इन भ्रष्ट पार्टियों से? क्या यह तुम्हारे देश का कल्याण कर पाएंगे जो सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? क्या यह देश का भला कर पाएंगे जो अनीति और न्याय अपराधियों को अपनी पार्टियों में संरक्षण देते हैं? क्या इनसे आप आशा करते हो जो विरोध के लिए एक दूसरे के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं? क्या यह देश का कल्याण कर पाएंगे? किससे आशा करते हैं? अरे आज तो राजनीति ऐसी हो गई है कि वोट लेने वाला भी पीता है और वोट देने वाला भी पीता है। यह भ्रष्ट मार्ग पर चल करके कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकेगी, कभी राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकेगी। कांग्रेस से आशा की थी हमने कि आजादी के बाद, यही तो आशा की थी, ये सुपर भारत बनाएंगे, विश्व गुरु के मार्ग पर चलेंगे, मगर क्या प्राप्त हुआ? आज भी खाली हाथ बैठे हैं। और यही आशा आज कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से लगाए हुए हैं, योगी और मोदी से लगाए हुए हैं कि वह समाज में परिवर्तन ला पाएंगे। यदि कुछ कार्य सुधार के कर भी दिए तो यकीन मानिए कि परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आज इस पार्टी पर भी अधर्मी अन्याय उपस्थित है, भ्रष्टाचारी उपस्थित है। वह कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का, धर्म के नाम पर बात करके, जाति के नाम पर बात करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आशा करनी है, यदि विश्वास करना है तो अपने गुरु के चरणों पर करो, अपने गुरुदेव की उस वाणी पर करो कि गुरु ने कहा है कि वह दिन आएगा अवश्य कि लाल किले पे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्यकर्ता ध्वज फहराएगा। यदि विश्वास करना है तो एक बार उन तीनों धाराओं के लिए अपने जीवन को समर्पित करके देखो, भूल जाओ जो हुआ। आज दोनों दोनों हाथों में उठा करके जिनसे गुरु शिक्षा प्राप्त की है, आज उनके लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस शरीर में बैठी हुई उस देह की तेज पुंज को पहचाने, इससे निकलती उस ज्योति को पहचाने, इससे निकलते उस प्रकाश को पहचाने और हाथों को उठा करके संकल्प करो कि हे गुरुवर, हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए तीनों धाराओं में आजीवन समर्पित रहेंगे। आज से हमारा यह जीवन इन तीनों धाराओं के लिए है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम आपके चरणों से कभी अलग नहीं होंगे। यदि इस संकल्प को जीवन में धारण कर लिया तो यकीन मानिए जिस लक्ष्य को हम लेकर के आगे चल रहे हैं वह दिन दूर नहीं होंगे, वह हमें प्राप्त होंगे। और यह जो प्राप्त हो रहा है, यह जो आनंद प्राप्त हो रहा है, यह जो दिव्य दर्शन आज प्राप्त हो रहे हैं, यह जो आज चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यह वह मोती है जिन्हें तुमने यदि समेट लिया और अपने हृदय में सजा लिया तो यकीन मानिए आजीवन आपकी यह शोभा बढ़ाते रहेंगे। वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो एक तीर्थ में जाकर
करके आपको प्राप्त होता है। गुरु दर्शन तीर्थ दर्शन से कम नहीं होता। इन भावों को लेकर के गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पुनः अपने भाइयों बहनों की हुई गलतियों की क्षमा याचना करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस को जय माता की जय। देख रहे हैं ओनली इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।